ना देखो अखिलेश यादव बना देंगे आपको, कुछ ना कुछ आपको जागीर दे देंगे, ले लेना जाके उनसे। आपके जैसे इस तरहहीन व्यक्ति की टिप्पणी, एक सेकंड इनका ऑडियो डाउन कीजिए, ये कैसी भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं सर? सम्मान नहीं किया है, अपमान करने का काम किया है। आपके लिए भी वही कहा जा रहा है, शरण गुप्त की कविता है, मेरी नहीं है, मनोज उपाध्याय। ये इनकी भाषा, आप इनको नहीं बोलोगे? उनको भी बोल रही हूँ मैं, उनको भी बोल रही हूँ मैं। आप दोनों के लिए थी वो बातें, मनोज उपाध्याय जी। देखिए प्रिया जी, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की किसी भी, जैसा कि आपने कहा, किसी व्यक्तिगत टिप्पणी पे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता, लोकतंत्र, जनता सब जानती है, जनता अपना फैसला देगी। दूसरी चीज मैं बता दूं, हमारे भी कांग्रेस के मित्र ने एक बहुत अच्छी बात कही कि किस प्रकार से जो है NDA के समर्थकों ने काफी अच्छा रिसर्च किया है कांग्रेस दफ्तर में कि कहां से डिग्री लेके आए हैं। हमारे समझ में नहीं आता कि जो है ये किस तरह से DNA की बात है। ये कांग्रेस पार्टी का DNA भूल गए जब राहुल गांधी जाके लद्दाख में बोलते हैं, अभी जल्दी का ही है, कि मुसलमान ठगा है। ठगने का काम, देश को बांटने का काम, मुसलमानों को अलग करने का काम, विकास की धारा से हटाने का काम अगर समाजवादी और कांग्रेस पार्टी, इंडिया जो गठबंधन है इनका आया है, इनके किसी नेता का, किसी पार्टी का देख लीजिए, ये काम किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी लेकिन इस तरीके की, अगर आपकी सहयोगी पार्टी है सर, ऐसे बयान देती है तो क्या बीजेपी के लिए भी वो डेंट नहीं है? नुकसान आपको नहीं पहुंचाएगी? क्या ये मैसेज नहीं जाएगा अगर आप सामने आकर के इस चीज का खंडन नहीं करेंगे, बयानों की निंदा नहीं करेंगे, कि आप भी कहीं ना कहीं इस विचारधारा के साथ है? क्योंकि विचारधारा मिली तभी तो आप साथ आए हो। आपको शर्म नाम की चीज है या नहीं है? आपको शर्म है भाई, सुन लीजिए कपीर जी, सर मेरे पास बात कितना ही वाइंड अप करना है। एक सवाल पूछा था, आप बताइए ना, अगर नहीं जाकर के आप सीधे मुखर होकर के कहेंगे तो फिर मैसेज तो यही जाना कि आपके भी यही विचारधारा है, क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी है ये नेता, उनको जिम्मेदारी दे दी। बिल्कुल, हम बोलिए, ठीक है प्रखर सिंह। अरे सुन लीजिए कपीर जी, के प्रवक्ता ने अभी सुनिए लद्दाख की बात करी, तो मुझे लगता है ये पढ़ के आए तो ज्यादा बेहतर होगा, पूरा बयान सुन लेते तो उनकी बात क्लियर हो जाती है। उन्होंने बोला सिर्फ मुसलमान नहीं, मणिपुर के लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, मणिपुर पर ये चुप्पी साधे हुए थे। यही तो दिक्कत है सर, कैक की रिपोर्ट आई है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। जो आपकी आयुष्मान भारत योजना है उसमें 7.5 लाखों का एक ही नंबर, अपने अंदर की खामियों को छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर 4 आरोप मढ़ दिए जा रहे हैं। यही हो रहा है इस वक्त। आपने क्या किया क्या नहीं किया ये जनता के बीच जाकर के बताने की बजाय आप शुरुआत ही इन चीजों से करते हैं कि सामने वाली पार्टी ने आपको ठग लिया है, ये आपके लिए सही नहीं है। अरे वो जनता पे छोड़ दीजिए, जनता देख रही है, जनता फैसला ले रही है, आपने क्या किया आप उस चीज को बताइए। बहरहाल मेरे पास वक्त इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए।